इंडिया जापान साइन पैक्ट ऑन स्टेम सेल रिसर्च तथा द इकोनॉमिक टाइम्स में प्रकाशित लेख सेल बेस्ड थेरेपी इज गेनिंग मोमेंटम के सम्मिलित सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट भी शामिल हैं। यह ऑडियो आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी खंड से जुड़ा हुआ है। तो आइए लेख की शुरुआत करते हैं। भारत में स्टेम सेल की बढ़ती लोकप्रियता। अभी हाल ही में जापान के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा हुई, जिसमें विज्ञान एवं तकनीक तथा चिकित्सा अनुसंधान के क्षेत्र में भारत जापान सहयोग के तहत एक पहल हुई। इस पहल के तहत जापान के प्रधानमंत्री ने भारत के साथ मिलकर विज्ञान के क्षेत्र में कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते में अस्थिमज्जा प्रत्यारोपण यानी बोन मैरो ट्रांसप्लांट को और अधिक सुलभ बनाने के लिए स्टेम कोशिकाओं के अनुसंधान पर ज्यादा बल दिया गया है। इसी क्रम में डॉक्टर प्रदीप महाजन को स्टेम कोशिका थेरेपी में उत्कृष्टता के लिए पेरिस प्रशंसा पुरस्कार 2017 से भी सम्मानित किया गया था। डॉक्टर प्रदीप महाजन स्टेम RX बायोसाइंस सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक हैं। स्टेम RX बायोसाइंस सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड एक समर्पित अनुसंधान केंद्र है। इस अनुसंधान केंद्र के अनुसंधानकर्ता विभिन्न बीमारियों के लिए नए प्रोटोकॉल विकसित करने में दिन रात लगे हुए रहते हैं। आइए अब समझते हैं कि चर्चा के प्रमुख बिंदु क्या हैं। जैव प्रौद्योगिकी विभाग यानी द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के पास पहले से ही भारत जापान सहयोग कार्यक्रम है, जिसमें वेल्लोर स्थित ईसाई मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल तथा जापान का क्योटो विश्वविद्यालय प्रतिभागी हैं। भारत जापान सहयोग का उद्देश्य भारत में पुनर्संरचनात्मक चिकित्सा और प्रेरित प्लूरीपोटेंट स्टेम कोशिका के विकास के लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण करना है। भारत जापान सहयोग का फोकस सिकल सेल एनीमिया, बीटा थैलेसीमिया एवं मस्तिष्क विकार का इलाज विकसित करने एवं भारतीय जनसंख्या की दृष्टि से प्रासंगिक एक हेप्लो बैंक को स्थापित करना है। आपको बता दें कि हेप्लो बैंक स्टेम कोशिकाओं का विशेष संग्रह करता है, जिसमें उपस्थित स्टेम कोशिकाओं द्वारा किसी भी तरह की कोशिकाओं का निर्माण किया जा सकेगा। आइए अब बात करते हैं स्टेम कोशिकाओं के बारे में। 1960 के दशक से लगातार कनाडा के वैज्ञानिक स्टेम कोशिकाओं पर अनुसंधान कर रहे हैं, लेकिन 1909 में ही रूसी वैज्ञानिक अलेक्जेंडर मॉक्सिमोर ने स्टेम सेल शब्द के वैज्ञानिक प्रयोग को प्रस्तावित किया था। स्टेम सेल शब्द का प्रयोग पहली बार 1909 में ही किया गया। आपको बताते हैं कि स्टेम कोशिका आखिर है क्या। स्टेम कोशिका अंग्रेजी के दो शब्द स्टेम और सेल से मिलकर बना है। इसमें स्टेम का अर्थ धड़ और सेल का अर्थ कोशिका होता है। स्टेम अर्थात धड़ का प्रयोग वनस्पति विज्ञान में बहुत पहले से होता आ रहा है। पौधों में धड़ ही वह भाग होता है जहां से नई कलियां या नई डालियों का जन्म होता है। इसी तरह प्राणी विज्ञान या जंतु विज्ञान में जिस कोशिका से कई कोशिकाओं का जन्म होता है, उन्हें भी स्टेम कोशिका कहते हैं। कोशिका हमारे शरीर में वैसे ही है जैसे कि मकान में ईंट। जिस तरह ईंटों को मिलाकर मकान बनाया जाता है, उसी तरह कोशिकाओं के मिलने से हमारे शरीर का निर्माण होता है। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि एक बूंद रक्त में लगभग 2.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा कोशिकाएं पाई जाती हैं। स्टेम कोशिका विभाजित होने के बाद फिर से पूर्ण रूप धारण करने में सक्षम होते हैं। स्टेम कोशिकाओं से लगभग शरीर के किसी भी अंग की कोशिकाओं का निर्माण किया जा सकता है। इसमें एक विशेष गुण पाया जाता है, यह अपने ही जैसे दो कोशिकाओं में विभाजित हो सकती है। विभाजित हुई ये दोनों कोशिकाएं एक दूसरे की प्रतिलिपि होती हैं। इस तरह इसकी संख्या कभी खत्म नहीं होती। इस गुण को स्वनवीनीकरण कहते हैं। आइए स्टेम कोशिका के एक और गुण पर बात करते हैं। स्टेम कोशिका अलग अलग तरह की कोशिकाओं में विभाजित होने की क्षमता रखती हैं। स्टेम कोशिका में बहुआयामी क्षमता भी होती है, जिसे हम प्लूरीपोटेंसी कहते हैं। लेकिन यदि एक बार यह किसी अंग का निर्माण कर लेती है तो फिर से दूसरा अंग नहीं बना सकती। जैसे एक स्टेम कोशिका हृदय की कोशिकाओं का निर्माण कर लेने के बाद लिवर की कोशिकाओं का निर्माण नहीं कर सकती। स्टेम कोशिका का यह महत्वपूर्ण गुण है। आइए समझते हैं कि स्टेम कोशिका के विभाजन क्षमता के आधार क्या क्या हैं। स्टेम कोशिका के विभाजन क्षमता के अभी तक ज्ञात आधार 3 हैं: टोटीपोटेंट, प्लूरीपोटेंट तथा मल्टीपोटेंट। टोटीपोटेंट स्टेम कोशिका में नर और मादा जनन कोशिका के मिलने के बाद जाइगोट का निर्माण होता है तथा जाइगोट की कोशिका में विभाजन के साथ एक ब्लास्टोमियर कोशिका का जन्म होता है।
इसी कोशिका को टोटिपोटेंट कोशिका कहा जाता है। प्लूरिपोटेंट कोशिका जाइगोट बनने के 8-9 दिन के बाद भ्रूण से स्टेम कोशिका को मध्यवर्ती कोशिका मास से निकाल लिया जाता है। मल्टीपोटेंट स्टेम कोशिका एक वयस्क शरीर में उपस्थित होती है तथा इसके द्वारा एक से अधिक तरह की कोशिका